ये देखो, ये या साबुन के आगे तुमने 2,000 रुपए लिखे हुए, नहाने के साबुन के आगे 2,000 रुपए। या 2,000 रुपीज। यस आई कैन एक्सप्लेन। भाई मैं जो साबुन से नहाता हूँ वो लाल चक्की होती बड़ी वाली, वो 50 रुपए की 4 चक्की आती है। लेकिन बाकी जो 1,950 रुपए खर्चा होते हैं वो उसमें आपका शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, हेयर वॉश, आपका फेस वॉश, लूफा। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, सब चीजें लेके आता हूँ आपके लिए। इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट, दैट्स नेसेसरी। श्योर। अच्छा ये बताइए, ये देखिए दाल के आगे आपने 1,500 रुपए लिखे। मैं तो रात में दाल खाती ही नहीं हूँ। लेकिन मैं तो खाता हूँ ना। अरे तो खाते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इतना खाते हो। तुम मेरी दाल पे पाबंदी लगा दोगी? मैं दाल भी गिन के खाऊं क्या? अरे बाबा, मैं दाल पे पाबंदी नहीं लगा रही हूँ, मैं फिजूल खर्चे पे पाबंदी लगा रही हूँ। मैं कोई फिजूल खर्ची नहीं करता हूँ, जो भी आया घर का सामान आया है। दिख रहा है, वो तो खुल खुल कर हाथ खर्चा किया है आपने। मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं की, प्लीज। आई गॉट यू, एक मिनट। ये देखो, फेब्रवरी मंथ में बिजली के बिल के नीचे तुमने 2 बार 1,500 रुपए लिखे। 2 बार तुमने बिजली का बिल भरा? 2 बार आया होगा तो 2 बार भरा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये देखो, फेब्रवरी मंथ में बिजली के बिल के नीचे तुमने 2 बार 1,500 रुपए लिखे। 2 बार तुमने बिजली का बिल भरा? 2 बार आया होगा तो 2 बार भरा। तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ? शक्ल से तो नहीं लगती। तो फिर तुम्हारा दिमाग फिर गया होगा। बिजली का बिल 1 बार आता है महीने में, 1 बार भरा जाता है, 1,500 रुपए आता है। लास्ट मंथ ज्यादा बिजली खर्च हुई होगी। नाउ आई रिमेम्बर, वो आप, वो याद है आपको, वो अपना वो ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? लैंप, आप नया लैंप लेके आई थी जिसको रात को जला के आप अपने लैपटॉप पे काम करती थी। ये बिजली का बिल जो एक्स्ट्रा आया है बिकॉज ऑफ दैट लैंप। ये ना, ये एक लैंप से 1,500 रुपए का एक्स्ट्रा बिल नहीं आएगा कि आपको बिजली का बिल 2 बार भरना पड़े। डकार गए आप पैसे, 1,500 रुपए इस महीने आप डकार गए। एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? यू पुटिंग अ ब्लेम ऑन मी? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। लाओ रसीद, लाओ बिजली का बिल भरा है ना, रसीद लाओ। मुझे नहीं मालूम कहाँ। नहीं मालूम का क्या मतलब है, लाओ दिखाओ, 2 रसीदें दिखाओ। नहीं पता मुझे कहाँ है, वेयर इट, आई डोंट नो वेयर इट इज। तुम ना पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। लाउड स्पीकर। हेलो, कौन बोल रहा है बे? हेलो, हाँ कौन, खचेड़ू बोल रहा है क्या? अबे ओ, मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा है, खचेड़ू नहीं समझा? अरे बेटा, दूसरे के लिए तू विभूति है, मेरे लिए तो खचेड़ू ही है। तो कौन बोल रहा है बे? बेटा बेटा बोल रहा हमको। बेटा हम तुम्हारे झंडू के घेर वाले मौसा राम गुलाम बोल रहे हैं। अरे झंडू के घेर वाले मौसा जी, पाए लागू कैसन है? हम, मैं तो बढ़िया हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस जी रहे हैं बीवी के रहमो करम पे। हाँ बेटा, तू उसी के कदमों में पड़े रह, इसी में भलाई है, नहीं तो क्या है ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। लगता है आप भी भुक्त भोगी हैं। सो तो हम आए, तुम्हें तो पता है। अच्छा सुन, हाँ मैंने तुझे इसलिए कॉल किया है, रेशमा जवान हो गई है। It's good. It's great. रेशमा जवान हो गई। Nice. Good. Yeah. Good. बेटा खचड़ू, तू उसे अपना ले। हाँ? अब क्या? I mean, whatever. मौसा जी क्या कह रहे हैं? अब अपना ले। हाँ बेटा, तू रेशमा को अपना ले। देख, तू रेशमा को अपनाएगा ना, तो मैं तुझे 50 करोड़ दूँगा। बेटा तू रेशमा की जिम्मेदारी ले ले, हैं? मैं रेशमा को लेके आ रहा हूँ बेटा, ठीक है? चलो बाबा बाय। हेलो मौसा जी, हेलो 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 हेलो। इट्स ओके, रख दिया उन्होंने फोन। या
तुम्हें कुछ नहीं बताना मुझे? क्या बात कर रही हो बुरी? तुमको सच्ची सच्ची लगता है कि तुम्हारे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? लेकिन हमको तो लगता था कि वो तुमको इतना घुमाता है, फिराता है, तुमसे बहुत ही प्यार करता है। देखो देख, सुनो सुनो, हमरा बात सुनो। रो रो नाई बुरी, रो नाई, तान से नाई लो। हाँ, का है कि हम ताऊ जी मतलब तुम्हारे डैडू को कॉल करके पूछते हैं, वो जरूर कोई ना कोई पोल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन होता पगली, ऐसा ही पकड़े हैं। हाँ, उन्हें जरूर कोनो हल देंगे। हाँ हाँ, तुम भी बात करो, हम भी बात करते। देखो तुम रो ना। हाँ, तुमको कल सुबह कॉल करते। हाँ, हिम्मत रखो भूरी, हिम्मत रखो। हाँ भाई भाई। हाँ दैया, क्या हुआ? किसका कॉल था? बोले तो कि भैया भूरी का कॉल था। आपको पता है वो हमारे जीजा, हाँ भूरी का पति, अभी तक हमको लगता था कि वो भूरी से कितना प्यार करता है, लेकिन ना भूरी को शक है कि उसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। यार कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया, बताइए। इतनी सुंदर बीवी मिली है और वो ऐसी हरकतें करते हैं। हम तो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकते। सच्ची आप हमसे इतना प्यार करते हैं का? बिल्कुल पगली, हम तुमसे अथाह मोहब्बत करते हैं। दिया, आपको पता ना ये लड्डू के भैया की ये बोलकर आप हमको कितना कितना सुख दिए हैं। और एक तो बात बोले, हमको ना पिछले कई दिनों से महसूस हो रहा है कि ना आपके मन में हमरे लिए प्यार ना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम ना ही हो रहा है। अभी तो और भी बढ़ेगा पगली, तुम्हारे लिए हमारा प्रेम अमर लता के समान है जो वक्त के साथ साथ बस फैलता चला जाता है। दिया का सैंपल दिए हैं? सैंपल तो ऊपर वाले ने हमें दिया तुम्हारे रूप में, फिलहाल वो एग्जांपल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, हमरे ही प्यार को और आपको किसी का नजर ना लगे बस। ओ ठीक है भैया, एक कुत्ते का रोना बहुत ही मनहूस माना जाता है। वाकई बड़ी मनहूस आवाज है इस कुत्ते की, ऐसा लग रहा है जैसे इसका मखद को बवासीर हो गया हो। हाय दिया। चलो पगली, फिर बवासीर रोमांस करें। पीछे ये सोफा धस गया यार नीचे। हाँ बेटा। कौन है तुम्हारे सो कॉल्ड मौसा जी? He is not so called Masaji. He is my real Masaji, all right? And please, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता, तुम मेरे relatives को बेइज्जत करो। तुम्हारे रिश्तेदार सारे इसी लायक, एक भी ढंग का नहीं। तुम कहना चाह रही हो कि मेरे सारे relatives ऐसे ही बेढंगे? मैं कहाँ कह रही हूँ, तुम्हारे रिश्तेदारों की हरकतें चीख चीख के कह रही हैं। क्या चीख चीख के कह रही हैं? वो तुम्हारे एक हैं डेविड चाचा जी। इतने सालों से उन्होंने तुम्हें 20 करोड़ का एक झुनझुना दिखा रखा है और इतने सालों में 20 रुपए तक नहीं दिए उन्होंने। और ये अब आ गए दूसरे तुम्हारे मौसा जी, पता नहीं किस रेशमा को लेकर आ रहे हैं, वो भी 50 करोड़ के हाथी पर। एक्सक्यूज मी, जमींदार हैं वो, बहुत पैसे वाले हैं, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। व्हाट आर यू टॉकिंग? हाँ तो मैं भी कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ जो तुम्हें 50 करोड़ के लिए किसी रेशमा के हवाले कर दूँ। पता नहीं कौन है जिसको जवानी छाई हुई है। ना बहुत नेगेटिव, तुम्हारी सोच ही नेगेटिव है। डोंट अंडरस्टैंड। बेटा विभूति, हम तुम्हारे मौसा राम गुलाम। ओ मौसा जी, प्लीज सिट डाउन।
हो और भाग। हेलो टेस्टिंग, हेलो, चल लिया। भाइयों और भाभियों, मिस्टर सुनिए एक मिनट एक मिनट, अगर आप ये वाली बात भाभियों से कह रहे हैं ना तो इसका चार्ज देना होगा, समझ रहे हैं ना? आपका दिमाग खराब हो गया? मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आंदोलन के तहत बात कर रहा हूँ। मिस्टर देखिए, आप आंदोलन कीजिए चाहे वर्ल्ड वॉर कीजिए, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है टैक्स वसूल करना, मैं टैक्स मांग रहा हूँ, ठीक है? अगर आप या आप में से कोई भाभी जी लोगों से बात करेगा तो टैक्स तो चार्ज होगा ही, समझ रहे हैं ना? भाई इतनी बदतमीजी से तो अंग्रेजों ने भी टैक्स वसूल नहीं किया था। कितने घटिया और बेशरम आदमी हैं आप। आपके घर में भाभियां नहीं है क्या? मिस्टर मेरा मतलब है अंकल जी, आई एम ऑन ड्यूटी एंड दिस इज वेरी मच पर्सनल क्वेश्चन। अब मैं गुजारिश करूंगा कि तिवारी जी से कि वो अपने विचार उगले। उगलो ना यार, कौन मना कर रहा है? तब तमीज आदमी। अरे क्या बदतमीज यार, अरे आराम से खड़ा कर यार। ये लीजिए, बोलिए बोलिए, ये लीजिए, मैं पूछ देंगे क्या, सीधे रखिए। चलिए ऐसे बोलिए ना यार। भाइयों, ये BST वो डकैत है जिसने हमारे 3 लाख रुपए पे डाका डाला है। दूसरों की तनख्वाह डकारोगे तो ऐसे ही होगा। आगे बोलिए अभी ना। भाइयों, BST वो तलवार है जो आपसी रिश्तों को काट रही है। ये BST एक ऐसी तलवार है जो देवर और भाभियों के बीच में गहरी खाई पैदा कर रही है। इसलिए इस तलवार को तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। मेरा गांव अलीगढ़ है, BST भुइया की जड़ है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम पूर्ण विराम लेते हैं। इन सारन की ना बहुत चर्बी हो गई है, इनकी चर्बी उतारने पड़ेगी। साले मर जाएंगे लेकिन भाभी जी से बात करना नहीं छोड़ेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा कि चाचा जी कुछ बके। What do you mean बके? अरे बोलिए ना चाचा जी यार। चलो तू ना कभी कभी बहुत बदतमीजी में उतर आता है। रायता मत फैला, ये लीजिए बोलिए। इधर, अरे तू यार उधर बोलेगा कोई। एक बार रुक जा। हाँ ये बैठा। हाँ ये सही है, ये सही है। एक्चुअली BST की फुल फॉर्म है भाभियों से रिश्ता समाप्त टैक्स। ये टैक्स भाभियों और देवरों के रिश्तों को अजगर की तरह निकल जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो एक दिन कि जितने भी लोग हैं वो अपनी भाभियों को बहन ना बना ले। नहीं 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 नहीं। और अगर आप लोग ये नहीं चाहते तो तुम्हारे सारन घर का बूढ़े जी को भी। सारों ने हमारा प्रोटेस्ट फेल कर दिया, आंदोलन की धज्जियां उड़ा दी। अरे कौन थे सारे नकाबपोश, शक्ल भी नहीं देख पाए। अब क्या करें, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं, क्या लगता है आपको कि आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जज साहब दरवाजा खोलेंगे और आपसे कहेंगे तिवारी जी आइए, मैं क्या भी खिदमत कर सकता हूँ? राइट? नहीं, लेकिन अदालत कम से कम हमारी फरियाद तो सुनेगी ना। अदालत ऊंचा सुनती है, बरसों गुजर जाते हैं लोगों को अपनी फरियाद अदालत के कानों तक पहुंचाने में। इंसाफ की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। तो अब क्या करें हम, फिर क्या बागी बन जाएं या हथियार उठा ले मिनिस्टर के खिलाफ? फिर तो मेरा भी करता कि मैं बंदूक उठा लूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है तिवारी जी कि बंदूक से किसी चीज का हल नहीं निकलता।
बल्कि हालात बिगड़ते हैं। जब बंदूकें चलती हैं तो यहाँ से भी चलती हैं और वहां से भी चलती हैं, और मरता कौन है? आप जैसा एक आम आदमी। ठीक है, तो फिर आंदोलन जारी रखते हैं, और कोई चारा भी तो नहीं है। आंदोलन हमको जारी रखने देंगे नहीं। जब हम आंदोलन के लिए बैठेंगे तो हमें पीटेंगे। अगर आपको पीटने का शौक है तो जाके बैठिए आप आंदोलन में। नहीं भाई, और नारे लगाइए। ना ना ना, हमें कोई शौक नहीं है भाई पीटने का। वैसे इतनी तुड़ाई की है, बदन अभी तक दुख रहा है सारा, बहुत बुरी तरह से। जी जी, कल हमारी खाद्य मंत्री से इस विषय पर कुछ। हमने कहा अगर आपको मंत्री से फुर्सत मिल जाए तो जरा एक आम आदमी की तरफ जरा गौर फरमाइएगा। आपकी तारीफ मोहतरमा। मोहल्ले के लौंडे हमें पिल्लो भाभी के नाम से रुसवा करते हैं। बड़ी दिलचस्प किस्म की औरत हैं आप। दिलचस्प तो हम हैं, लेकिन आज तक हमें कोई दिलचस्प मर्द नहीं मिला। क्यों, आपके पति दिलचस्प नहीं है? बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। बड़े इरिटेटिंग, बड़े बोरिंग है। एक फटे हुए पोस्टर की तरह हमारे दिल पे चस्पा है। हम कुछ समझे नहीं मोहतरमा। वो किसी और औरत में दिलचस्पी रखते हैं। ओ अब माफ कीजिएगा, हमने आपके जख्मों को कुरेद दिया। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हमारे जख्मों को कुरेदता है, खास तौर से कोई आप जैसी शख्सियत। माफ कीजिएगा, हम मंत्री हैं। कौन सी किताब में लिखा है कि मंत्री किसी औरत के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, उसे बात नहीं कर सकता? अपना नंबर दीजिए। 24/7 मॉडर्न कॉलोनी। एड्रेस नहीं, एड्रेस आप मैसेज कर दीजिएगा। आप अपना फोन नंबर दीजिए। आपके कान में दूंगी फोन नंबर। हम आपको अब लेट नाइट फोन करेंगे। मैं वेट करूंगी आप। बिल्कुल, बात कीजिए, पूरी रात बात कीजिए बिल्लो भाभी से, लेकिन 10 मिनट बात करने के 10,000 का टैक्स भर दीजिए। देखो, तुम मुझ पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बल्कि आपको तो सामने से आकर टैक्स देना चाहिए, ताकि जनता जनार्दन जो इस टैक्स में पिस रही है उसे पता तो चले कि मंत्री जी भी टैक्स में पिस रहे हैं और बिल्लो भाभी को पीस भी रहे। क्या फायदा है इस टैक्स का मंत्री जी, जो हमारे और आपके बीच में दीवार बने? तोड़ दीजिए ऐसी दीवार को, खत्म कर दीजिए टैक्स। कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स की वजह से हम और आप प्यासे रह जाएं। एक मिनट बिल्लो, मैं मेरे दूसरे मंत्री से बात करता हूँ। हेलो मंत्री, सुनो मेरी बात। देखो, क्या लगता है आपको? मंत्री जी गिरफ्त हो गए आपके हुस्न में। छिछोरे लग रहे हैं, समझे? और हम रीड माई लिप्स। ये देखो, ये साबुन के आगे तुमने 2,000 रुपए लिखे हुए। नहाने के साबुन के आगे 2,000 रुपए? या 2,000 रुपीज। यस आई कैन एक्सप्लेन। भाई मैं जो साबुन से नहाता हूँ वो लाल चक्की होती बड़ी वाली, वो 50 रुपए की 4 चक्की आती, लेकिन बाकी जो 1,950 रुपए खर्चा होते हैं वो उसमें आपका शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, हेयर वॉश
आपका फेस वॉश, लूफा। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, सब चीजें लेके आता हूँ आपके लिए। इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट, दैट्स नेसेसरी। अच्छा ये बताइए, ये देखिए दाल के आगे आपने 1500 रुपए लिखे। मैं तो रात में दाल खाती ही नहीं हूँ। लेकिन मैं तो खाता हूँ ना। अरे तो खाते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इतना खाते हो। तुम मेरी दाल पे पाबंदी लगा दोगी? मैं दाल भी गिन के खाऊं क्या? अरे बाबा, मैं दाल पे पाबंदी नहीं लगा रही हूँ, मैं फिजूल खर्चे पे पाबंदी लगा रही हूँ। मैं कोई फिजूल खर्ची नहीं करता हूँ, जो भी आया घर का सामान आया है। दिख रहा है, वो तो खुल खुल कर हाथ खर्चा किया है आपने। मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं की, प्लीज। आई गॉट यू, एक मिनट। ये देखो, फेब्रुअरी मंथ में बिजली के बिल के नीचे तुमने 2 बार 1500 रुपए लिखे। 2 बार तुमने बिजली का बिल भरा है? 2 बार आया होगा तो 2 बार भरा। ये देखो, फेब्रुअरी मंथ में बिजली के बिल के नीचे तुमने 2 बार 1500 रुपए लिखे। 2 बार तुमने बिजली का बिल भरा है? 2 बार आया होगा तो 2 बार भरा। तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ? शक्ल से तो नहीं लगती। तो फिर तुम्हारा दिमाग फिर गया होगा। बिजली का बिल 1 बार आता है महीने में, 1 बार भरा जाता है, 1500 रुपए आता है। लास्ट मंथ ज्यादा बिजली खर्च हुई होगी। नाउ आई रिमेम्बर, वो आप, वो याद है आपको, वो अपना वो ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? लैंप, आप नया लैंप लेके आई थी जिसको रात को जला के आप अपने लैपटॉप पे काम करती थी। ये बिजली का बिल जो एक्स्ट्रा आया है बिकॉज ऑफ दैट लैंप। ये ना, ये एक लैंप से 1500 रुपए का एक्स्ट्रा बिल नहीं आएगा कि आपको बिजली का बिल 2 बार भरना पड़े। डकार गए आप पैसे, 1500 रुपए इस महीने आप डकार गए। एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? यू पुटिंग अ ब्लेम ऑन मी? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। लाओ रसीद, लाओ बिजली का बिल भरा है ना, रसीद लाओ। मुझे नहीं मालूम कहाँ। नहीं मालूम का क्या मतलब है, लाओ दिखाओ, 2 रसीदें दिखाओ। नहीं पता मुझे कहाँ है, where is, I don't know where it is. तुम ना पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। लाउड स्पीकर। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हाँ कौन, खचेड़ू बोल रहा है क्या? अबे ओ, मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा है, खचेड़ू नहीं समझा? अरे बेटा, दूसरे के लिए तू विभूति है, मेरे लिए तो खचेड़ू है। तो कौन बोल रहा है बेटा? बेटा बोल रहा हमको? बेटा हम तुम्हारे झंडू के घेर वाले मौसा राम गुलाम बोल रहे हैं। अरे झंडू के घेर वाले मौसा जी, पाए लागो कैसन है? हाँ? मैं तो बढ़िया हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस जी रहा है बीवी के रहमो करम पे। हाँ बेटा, तू उसी के कदमों में पड़े रहा, इसी में भलाई है, नहीं तो क्या है ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। लगता है आप भुक्त भोगी हैं। सो तो हम आए, तुम्हें तो पता है। अच्छा सुन, हाँ। मैंने तुझे इसलिए कॉल किया है, रेशमा जवान हो गई है। It's good. कि रेशमा जवान हो गई। Nice. Good. Yeah. Good. बेटा खचेड़ू, तू उसे अपना ले। बेटा तू रेशमा की जिम्मेदारी ले ले, हैं? मैं रेशमा को लेके आ रहा हूँ बेटा, ठीक है? चलो बाबा बाय। हेलो मौसा जी, हेलो 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 हेलो। इट्स ओके, रख दिया उन्होंने फोन। तुम्हें कुछ नहीं बताना मुझे? क्या बात कर रही हो बुरी, तुमको सच्ची सच्ची लगता है कि तुम्हारे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? थिया, लेकिन हमको तो लगता था कि वो तुमको इतना घुमाता है, फिराता है, तुमसे बहुत ही प्यार करता है। देखो देख, सुनो सुनो हमारा बात सुनो, रो रो नाई बुरी, रो नाई तान से नाई लो। हाँ कहा है कि हम ताऊ जी मतलब तुम्हारे डैडू को कॉल करके पूछते हैं, वो जरूर कोई ना कोई पोल्यूशन देंगे।
सॉल्यूशन होता पगली सही पकड़े हैं हाँ उन्हें जरूर कोनो हल देंगे हाँ हाँ तुम भी बात करो हम भी बात करते देखो तुम रो ना आए हाँ तुमको कल सुबह का हल करते हाँ हिम्मत रखो भूरी हिम्मत रखो हाँ भाई भाई हाँ दिया का हुआ किसका काल था बोले तो कि भैया भूरी का काल था आपको पता है वो हमारे जीजा हाँ भूरी का पति अभी तक हमको लगता था कि वो भूरी से कितना प्यार करता है लेकिन ना भूरी को शक है कि उसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है यार कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया बताई इतनी सुंदर बीवी मिली है और वो ऐसी हरकतें करते हैं हम तो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं कि किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकते दिया सच्ची आप हमसे इतना प्यार करते हैं का बिल्कुल पगली हम तुमसे अथाह मोहब्बत करते हैं दिया आपको पता ना ये लड्डू के भैया की बोलकर आप हमको कितना कितना सुख दिए हैं और एक तो बात बोले हमको ना पिछले कई दिनों से महसूस हो रहा है कि ना आपके मन में हमरे लिए प्यार ना बढ़ता ही जा रहा है कम ना ही हो रहा है अभी तो और भी बढ़ेगा पगली तुम्हारे लिए हमारा प्रेम अमर लता के समान है जो वक्त के साथ साथ बस फैलता चला जाता है आइडिया का सैंपल दिए हैं सैंपल तो ऊपर वाले ने हमें दिया तुम्हारे रूप में फिलहाल वो एग्जांपल होता है पगली सही पकड़े हैं आइडिया हमरे ही प्यार को और आपको किसी का नजर ना लगे बस क्योंकि भैया एक कुत्ते का रोना बहुत ही मनहूस माना जाता है वाकई बड़ी मनहूस आवाज है इस कुत्ते की ऐसा लग रहा है जैसे इस कमखत को बवासीर हो गया हो दिया चलो पगली फिर बवासीर रोमांस करें पीछे सोफा धस गया यार नीचे हाँ बेटा कौन है तुम्हारे सो कॉल्ड मौसा जी ही इज नॉट सो कॉल्ड मौसा जी ही इज माय रियल मौसा जी ऑलराइट एंड प्लीज तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता तो मेरे रिलेटिव्स को बेइज्जत करो तुम्हारे रिश्तेदार सारे इसी लायक एक भी ढंग का नहीं तुम कहना चाह रहे हो कि मेरे सारे रिलेटिव ऐसे ही बेढंगे मैं कहाँ कह रही हूँ तुम्हारे रिश्तेदारों की हरकतें चीख चीख के कह रही हैं क्या चीख चीख के कह रही हैं वो तुम्हारे एक हैं डेविड चाचा जी इतने सालों से उन्होंने तुम्हें 20 करोड़ का एक झुनझुना दिखा रखा है और इतने सालों में 20 रुपए तक नहीं दिए उन्होंने और ये अब आ गए हैं दूसरे तुम्हारे मौसा जी पता नहीं किस रेशमा को लेकर आ रहे हैं वो भी 50 करोड़ के हाथी पर एक्सक्यूज मी जमींदार है वो बहुत पैसे वाले हैं कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है व्हाट आर यू टॉकिंग हाँ तो मैं भी कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ जो तुम्हें 50 करोड़ के लिए किसी रेशमा के हवाले कर दूं पता नहीं कौन है जिसको जवानी छाई हुई है तुम बहुत नेगेटिव तुम्हारी सोच ही नेगेटिव है डोंट अंडरस्टैंड बेटा विभूति हम तुम्हारे मौसा राम गुलाम ओ मौसा जी पायल आ गो मौसा जी कुछ पूरा बेटा जी जी प्रणाम मौसा जी जी तेरा प्लीज बैठिए मौसा जी प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर